हिंदू कट्टर दुश्मनों ने मिलाया हाथ, इसराइल की क्यों टेंशन बढ़ी, रूस ने यूक्रेन पर कितनी मिसाइलें दागी, ईरान को कौन दे रहा है अमेरिकी हथियार, महायुद्ध से जुड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप 9। बरसों की दुश्मनी भुलाकर सऊदी अरब और ईरान एक साथ आ गए हैं। चीन ने मध्यस्थता कर ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी खत्म कराई है। 7 साल पहले ईरान और सऊदी अरब ने आपस में संबंध खत्म कर लिए थे, लेकिन 7 साल बाद राजनयिक संबंधों को फिर से स्थापित करने पर सहमति बनी है। ईरान सऊदी की दोस्ती से इसराइल की टेंशन बढ़ गई है। इसराइली शीर्ष अधिकारियों ने दोनों देशों के बीच संबंध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार माना है। राष्ट्रपति बाइडेन और बेनेट लापिड सरकार की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। यूक्रेनी सेना की 92वीं ब्रिगेड ने रूस के एक अस्थायी एम्यूनिशन डिपो को मिसाइल अटैक में तबाह कर दिया। यूक्रेन के हमले के बाद एम्यूनिशन डिपो में ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। हमले में भारी मात्रा में रूसी गोला बारूद जलकर खाक हो गया। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी से अब तक 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए 1000 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि रूस अमेरिकी हथियारों को जब्त कर ईरान भेज रहा है, खासकर अमेरिकी जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल सिस्टम को। दावा है कि ईरान इनकी टेक्नोलॉजी से अपने यहाँ हथियार बनाएगा। रूस ने यूक्रेन में काफी मात्रा में अमेरिकी हथियारों को जब्त किया है। रूसी एयरफोर्स के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने स्ट्रेला 10 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को जयपुरुजिया के मोर्चे पर लगाया है। यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स स्ट्रेला 10 एंटी क्राफ्ट सिस्टम से कॉम्बैट ऑपरेशन चला रही है। डोनेट्स से लुहांस तक रूस ने टॉर M2U सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को रेडी टू अटैक मोड में रखा है। इस सिस्टम में लगे रडार लगातार 360 डिग्री से स्कैन करते हैं और 30 किलोमीटर के दायरे में यूक्रेनी ड्रोन और मिसाइलों को खोजकर मार गिराते हैं। जॉर्जिया में पिछले कुछ दिनों से जो हंगामा मचा था वो अब थम गया है। जॉर्जिया सरकार ने फॉरेन एजेंट बिल को वापस ले लिया है, जिसके बाद राजधानी तिबलिसी की सड़कों पर हजारों लोग इकट्ठा हुए, कानून वापस लेने का जश्न मनाया गया। साउथ चाइना सी में घूम रहे एक फिलीपींस कोस्ट गार्ड के प्लेन को चीन के रेडियो ऑपरेटर ने धमकाया। फिलीपींस के इस प्लेन में पूरी दुनिया के पत्रकार थे। इन्हें साउथ चाइना सी के विवादित इलाके को दिखाने के लिए बुलाया गया था। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है, अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।